नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी चैनल द राउटवालर में फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहला आपकी तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ राउटवालर की कुछ बिहेवियर के बारे में, उनकी कुछ फैसिलिटी, उनकी खास बात के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राउटवालर के बारे में बहुत सारे ही लोगों के मन में ये सोच है कि राउटवालर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो इधर उधर काट लेता है, किसी को भी अटैक कर देते हैं, वो अपनी खुद की मालिक के ऊपर भी, अपनी ऑनर के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन बिल्कुल नहीं है, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। राउटवालर है मेरे पास, वो मेरे को कभी नहीं अटैक किया है, और मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन ये वो कुछ भी नहीं किया है अभी तक। मेरे पास ये 1 साल के ऊपर हो चुका है लेकिन वो किसी के ऊपर भी अभी तक अटैक नहीं किया है। छोटे बच्चों के साथ भी वो बहुत ही फ्रेंडली है। लेकिन बहुत सारे लोगों ये सोचते हैं कि राउटवालर क्यों एग्रेसिव होता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, राउटवालर एग्रेसिव होने की चांसेस वो हमारे ऊपर है, हम उसको किस तरह से पालते हैं। बचपन से सब छोटा सा था, वो किस तरह से रहता है। अगर आप उन्हें दिन भर के चेन करके रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी, किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। वो एक गार्ड डॉग रहता है इसीलिए वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए आप अपने डॉग को कभी भी बांध के मत रखिए। बहुत सारे लोगों के साथ मिलाइए, स्ट्रीट डॉग के साथ मिलाएंगे, और आप किसी के साथ नहीं मिलाएंगे, उसको अकेले ही रखेंगे तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। वो घर में जो भी कोई आएगी उसके ऊपर वो उसके ऊपर अटैक कर देंगी। तो इसीलिए आप उनको बचपन से, जब भी बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है वो, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को साथ मिलाइए, पार्क में ले जाइए, कहीं भी रोड में घुमाएंगे तो वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगी, फ्रेंडली नेचर हो जाएंगी उसकी। तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद वो किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से अटैक नहीं करेंगी। दोस्तों, राउटवालर एक गार्ड डॉग होता है, उसकी बॉडी एक मस्कुलर बॉडी होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग उसको देखते ही डर जाता है कि वो मुझ पर अटैक कर देंगे, लेकिन वैसे नहीं है। लेकिन आप कोई भी डॉग के पास जाएंगे तो राउटवालर, उनकी मालिक के परमिशन बिना आप उसके पास मत जाइए, ये आपके लिए बेहतरीन होगी। क्योंकि बहुत सारी किस किसी की डॉग की नेचर किस तरह से होता है, किस किस सोच किस तरह से होता है, इसीलिए आप उन्हें मालिक की परमिशन ना लीजिए, ना लेके उसके पास मत जाइए ताकि वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। बहुत उनकी जो राउटवालर की बाइट फोर्स की पावर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर ये आपकी हड्डियों को पकड़ दिया तो वो टूट भी जा सकता है, इसीलिए आप इसे गलती काम मत कीजिए। उनकी ऑनर की परमिशन लेके उसके पास जाएंगे तो वो आपकी कुछ नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग डर जाते हैं राउटवालर अपने घर में लेके। बहुत सारे लोग ये पूछता है, मैं पहले टाइम डॉग रखने जाता हूँ, पहले टाइम डॉग ओनर की मैं राउटवालर ले हूँ क्या? नहीं, लेकिन आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे किस तरह से बड़ा करते हैं, किस तरह से आप उनको पालते हैं। दोस्तों, राउटवालर लेने से कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या थर्ड टाइम सेकेंड टाइम, कुछ कोई बात नहीं है, आप उन्हें अच्छे से रखिए। बहुत सारे लोगों को साथ मिलाएंगे, बहुत सारे डॉग के साथ मिल पाएंगे तो बहुत ही फ्रेंडली है। राउटवालर मेरे पास है, बेहतरीन ब्रीड है। राउटवालर एक ऐसा ब्रीड है, उनको कोई भी बीमारी नहीं होता है इतनी आसानी से जैसे और कोई ब्रीड होता है, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, इसकी थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। लेकिन राउटवालर की डाइटिंग में आपको ध्यान रखना है, उनको डाइटिंग बहुत ही अच्छा से मिनरल, विटामिन, मल्टी विटामिन प्रॉपर होना चाहिए उनकी डाइट में, ताकि उनकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। आपकी बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, ये आसानी से घुल मिल के चल जाता है, अपनी वेदर को लेके वो ठीक से रह जाते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर बटन दबा दीजिए और साइड में अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही। बाय बाय।